हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फूड फैव। आज की हमारी रेसिपी है मूंग दाल की रेसिपी। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं मूंग दाल कड़ी, जिसे आप मूंग की दाल भी कह सकते हैं और मूंग की सब्जी भी कह सकते हैं। और ये मूंग हरी मूंग की सब्जी है फ्रेंड्स, जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो ये देखिए, ये इस तरीके के हरे मूंग हैं जिसके हम आज तक सिर्फ स्प्राउट ही खाते थे। तो आज इस मूंग से हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी, लजीज और स्वादिष्ट कड़ी, जो आप एक बार अपने घर पे बनाए तो इसे लोग बार बार खाने को तरसेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस रेसिपी के प्रोसेस को। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, पैन को मैंने हीट कर लिया है और उसमें 2 चम्मच जितना मैंने तेल डाला है। अब हम तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर हम उसमें ऐड करेंगे ये 2 बड़े मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने इसे मोटे मोटे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब हम इसे धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जब तक कि ये हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करते रहना। आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज होने लगा है, अब ये लाइट येलो कलर में धीरे धीरे ये थोड़े थोड़े ब्राउन होते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये गोल्डन कलर का दिखने लगा है। तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसे पूरा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो अब ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसे साइड में निकाल कर रख लेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं साथ ही इसके साथ 2 टमाटर का भी पेस्ट तैयार कर लूँगी। अब हम सेम पैन को गर्म होने देंगे, लेकिन इसमें कोई ऑयल ऐड नहीं करेंगे, कोई तेल ऐड नहीं करेंगे और उसी सेम पैन में इस मूंग को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा पैन पहले से गर्म है। अब हम इसमें इस मूंग को डालकर इसे मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। इसमें कोई ऑयल मैंने ऐड नहीं किया है, बस मैंने इसे अच्छे तरीके से पानी से धोकर इसे रोस्ट करने के लिए पैन में दे दिया और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। हम इसे रोस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि इस मूंग के का जो हरापन का स्वाद है वो हरेपन का स्वाद इससे हट जाए, इसलिए हम इसे थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। मैंने इस मूंग को 6 घंटे के लिए भिगो कर रखा था, फिर उसे अच्छे पानी से धोकर मैंने इसे रोस्ट किया। अगर आप इसे इंस्टेंट बनाना चाहते हैं, तुरंत के तुरंत आपको इसे भिगोने का टाइम नहीं मिला हो, तो आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। बस इसे आप अच्छी तरीके से वॉश कर लें, साफ़ कर लें और सेम प्रोसेस से इसे रोस्ट कर लें। तो देखिए अब इसका कलर चेंज हो चुका है, ये हमारा कम्प्लीटली रोस्ट हो गया। अब हम इसे गैस से हटा लेंगे और एक कुकर चढ़ाएंगे। तो हम एक कुकर लेंगे, कुकर में हम 3 ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे। तो ये मैंने 3 ग्लास जितना पानी इसमें ऐड किया है। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, इन सबको मिक्स करके हमारी रोस्टेड दाल जो हमने भुना था दाल, उस दाल को हम इसमें ऐड कर लेंगे और कुकर का ढक्कन लगा कर हम इसे 3 सीटी तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अगर आप दाल इंस्टेंट बना रहे हैं, इसे भिगो कर नहीं रखा है, तो आप इसे 5 सीटी तक पकाएं और कुकर के प्रेशर को खुद ही बाहर आने दें। तो चलिए जब तक हमारे कुकर में सीटी लग रहा है तब तक हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने मसालों में 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच से थोड़ा कम मैंने धनिया पाउडर लिया है और उसका एक फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम अपने दाल में एक अच्छी रेडिश कलर लाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच से थोड़ा कम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, से हमारे दाल में बहुत ही अच्छा कलर आएगा और ये तीखा भी बहुत कम होता है। तो अब हमारे कुकर में 3 सीटियाँ लग चुकी है, ये देख सकते हैं आप। इस स्टेज पर हम अपने गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और कुकर के प्रेशर को बाहर नहीं निकालेंगे, इसे खुद ही ठंडा होने के लिए रखेंगे। हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल लेंगे और जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, 2 लाल सूखी मिर्च और इसे हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। तो जैसे ये थोड़ा रोस्ट हो जाएगा उसमें हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक कि उसका कच्चापन हट ना जाए। तो उसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, इसे हम अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और धीरे धीरे इसे चलाते रहेंगे। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा उसमें हम अपने भुने हुए प्याज को ऐड करेंगे, जिस प्याज को मैंने तभी फ्राई किया था। तो देखिए अब ये भुन चुका, अब इसमें हम ये प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे जो तभी मैंने फ्राई करके उसका एक पेस्ट बनाया था, उसी प्याज को हमें यहाँ ऐड करना है। तो हम भी इसे थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे। तो इसे हम लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इस प्याज को कुछ देर और भून लेंगे। तो देखिए ये अच्छे तरीके से भुना गया है। अब हम इस स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे अपने मसाला पेस्ट को। तो इसे थोड़ी देर और हम फ्राई कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे अपने मसाला पेस्ट। तो ये रहा हमारा
मसाला पेस्ट जो इसमें गया, और अब हम इसे लगातार चलाएंगे। इसे हमें तब तक चलाना है जब तक कि इस मसाले पेस्ट का पानी ना उड़ जाए। तो ये देखिए, तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। और इसमें ये मैंने दो टमाटर पीस कर रखा था, तो ये मैंने दो टमाटर की प्यूरी को ऐड किया है इसमें, और इसे हम अब चलाते रहेंगे। इस टमाटर प्यूरी को हम अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो देखिए ये कितना सुंदर कलर आया है इसमें, कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो इसे हम 5 मिनट तक, कम से कम 5 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए इसे हम फ्राई करते रहेंगे। अब देखिए इन मसालों से तेल छूटने लगा है साइड से, इसका मतलब मसाला हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके साइड से ऑयल निकलना शुरू हो गया है। तो अब हमारा मसाला अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है, तब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी दाल को। तो ये दाल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। यहाँ हम नमक का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने नमक पहले ही यूज़ कर लिया है जब दाल में मैं सीटी लगा रही थी। तो मैंने दाल में नमक एक ही बार यूज़ किया है, तो यहाँ हम नमक यूज़ नहीं करेंगे। वैसे नमक आप अपने स्वाद के अनुसार यूज़ करें। तो देखिए हमारी दाल कितनी अच्छी तरीके से कुक हुई है। तो अब हम इसमें मिला लेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला पाउडर देने के बाद हम इसमें 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे। तो अब हम अपने गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे साइड में रख देंगे। तो ये हमारा दाल परफेक्ट बन के तैयार है। अब हम चलेंगे दाल में तड़का लगाने के प्रोसेस में। तो हम एक तड़का पैन लेंगे। जैसे ही तड़का पैन गर्म हो जाए उसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी या कुकिंग ऑयल। जब ये गर्म हो जाए तो उसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, जिसे मैंने लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देंगे। देखिए अब हम इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने बीच से ऐसे चीरा लगा लिया है, और इसे हम दाल में छोंक लेंगे और दाल को थोड़ी देर के लिए कवर करके हम रख देंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी आ सके, इसमें छोंके की खुशबू दाल में अच्छी तरीके से रह पाए। तो चलिए अब हम इसे चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो हम एक बॉल लेंगे और उस बॉल में हम अपने दाल को सर्व करेंगे। इस दाल की ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रखें, आप कितनी पतली मोटी लेना चाहते हैं। और इसे आप रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं यहाँ इसे सर्व कर रही हूँ रोटी के साथ, क्योंकि मैंने इसे डिनर में बनाया है। तो मैं इसे रोटी के साथ सर्व करूँगी। ये कुछ मैंने सलाद दिए रखे हैं और 1 चम्मच मैंने इसमें अचार ऐड किया है। तो आप इस तरीके से अपने घर पे बनाएं और अपने घर में सबको सर्व करें। लोग इसे बार बार खाने को तरसेंगे और आपसे कहेंगे कि आप बार बार इसे बनाएं अपने डिनर में। तो आप इस दाल को अपने डिनर में भी बना सकते हैं, अपने लंच में भी बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसे अपने घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।